हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबको। कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा, और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं हम आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग में क्या है वो मैं आज आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो आसपास का व्यू है वो किस प्रकार से बना है, आज कैसा मौसम है। और तो चलिए वो तो मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से, पहले मिल लीजिएगा। मेरे साथ में कोई और भी है और मैं जा रही थी घास लेने, तो मिल लीजिए इनके साथ भी। महाराज तब से बोल ले जा रहे, करो अब करो हेलो, बाय बाय नहीं हेलो करो सबको। हैंडू में क्या है? हैंडू में क्या है? कुकु लगा, दिखा दो। कुकु लगा, ये देखो इसको लगी है चोट, और ये बोझा है किसको लगा है कुकु? अब इसको नहीं, अच्छे नहीं, अच्छे दिखाओ। ओहो, शरारत करते है ना आप, करते हो ना, तब भी लगा कुकु आपको, है ना। तो मैं और वंशु जा रहे थे घास लेने के लिए, और घास मैंने किसी और से कटवाया है। उनको मैंने बोला था कि मेरे लिए भी काट देना और अपने लिए भी काट देना, क्योंकि मैं घास नहीं काट सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने काट दिया था, और फिर मुझे कॉल की कि मैंने घास काट दिया है, आप ले जाइएगा। तो बस उसी को लाने में जा रही हूँ, पर कहाँ पे काटा है वो दिखाती हूँ बाद में, पहले थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आगे आगे जा रही थी, ये नीचे है चरी के खेत, और चारों तरफ फोग पड़ी है और हल्की हल्की हो रही है बारिश। ये देखिए दूसरी साइड में हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश के छींटे पड़ रहे थे। तो मैं ना जल्दी जल्दी जा रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है भीगना नहीं है, रेस्ट करो। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं आगे जा रही थी, और तब तक यहाँ से ना इस साइड से बारिश वाला मौसम बन गया, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होने लग पड़ी। तो ये है घास जो कि मेरे एक पड़ोसन है बेचारे, उन्होंने काटा था, बहुत हेल्प करते हैं, तो उन्होंने ये काटा था, मेरे लिए भी काट दिया था और अपने लिए भी ले किए थे। तो बस मैं इसको ना बांध के ले जाऊंगी घर को। और ये देखिए ये ना घर पे नहीं बैठा, वंशु सामने देखो, हेलो करो, हेलो हेलो कर दो, नहीं करना बाय करनी है, रहने दो फिर नहीं करना। ये घर पे नहीं बैठा, साथ साथ में चल पड़ा था, और ये भी बीमार है, इसका भाई ठीक हो गया पर ये अभी तक नहीं ठीक हुआ, अरे आ गया मेरे पास भागते भागते। तो ये जो घास है इसको मैं बांध लूँगी, और मैंने ना बांधने के लिए आज चुन्नी लाई है, क्योंकि कैमरा इधर उधर हिल रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदे बारिश की कैमरे के ऊपर पड़ रही है। और मैं बांध लूँगी इसको घास को चुन्नी में ही, क्योंकि ये देसी जुगाड़ है रस्सी का। मुझे ना आजकल मैं अक्सर ज़्यादातर चुन्नी का और पाली का यूज़ करती हूँ, तो चुन्नी ही लाई हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पे आते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो वॉच किया करें, आप खाली कमेंट्स मत किया करें, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ एक लोग हैं जो कर देते हैं खाली कमेंट्स। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको खाली कमेंट करने हैं तो आप लोग मत आइएगा मेरी वीडियोस पर। वैसे ही मैं आजकल परेशान हूँ YT में भी और अपनी खुद की लाइफ में भी, क्योंकि जब अपनी सेहत साथ नहीं देती ना, तो फिर चारों तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ घिर जाती है।
और ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है, जब मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं हो रही तो फिर तो परेशानियां तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और देखिए छींटे पड़ रहे हैं, तो फटाफट से ना पहले बाद में बात करती हूँ, पहले घास ही बांध लूँ। तो घास मैंने बांध लिया है और देखिए चुन्नी में ही बांधा है और इसी तरह से उठा भी लिया है सिर पे, ज़्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा ही है ये। और इसको मैं रख दूँगी घर पे, और ये ना घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, कहाँ था दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना बिल्कुल नज़दीकी था मेरे घर के पास ही, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाती हूँ, यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाए, और दिन प्रतिदिन ना मेरी हिम्मत टूटती जा रही है, ऐसे लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं रही हो, सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। और देखिए मेरे आगे आगे ना वंश चल रहा है और हाथ में लिया इसने डंडा, तो कितना प्यारा लग रहा है ना, हरे हरे खेत के बीच में क्यूट सा दौड़ दौड़ रहा था, तो बस यही नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था। और मैंने अब घास रख देना घर पे, तो एक बार तो मैं ले गई थी 4-5 फूले और 4-5 फूले फिर से बचे हैं, तो उनके लिए दोबारा फिर से आ गई हूँ। कैमरे के ऊपर छींटे पड़ रहे हैं बारिश के और फ़ोन हैंग हो जाता है, फिर अब थोड़ा सा ही बचा है, पर पहले ना मैं आराम कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं चला जाता, चलने के लिए हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत, और धीरे धीरे मैं सब कुछ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सो ही रहती हूँ घर पे, क्योंकि काम तो सारा करना पड़ता है जो भी हैं, और ये मुझसे बेटर कौन जानेगा। और मेरी जो बहनें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो तो अच्छी तरह से जानती होंगी कि जो एक लेडीज़ होती है उसके लिए कभी छुट्टी नहीं होती है, वो चाहे तो जैसे तैसे करके उसे काम निकालना पड़ता है, और से मुझे भी ऐसे ही करना पड़ता है कि मुझे भी बस कुछ भी करके कैसे भी करके काम निकालना ही पड़ता है। पर चलो जो भी हैं, अब तो मैं पहले 2-3 दिनों से काफ़ी बेटर हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ, नहीं तो पिछले 3-4 दिन पहले तो मुझे बस ऐसे लग रहा था कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे, प्राण निकल ही जाएंगे, कब निकलेंगे कब निकलेंगे, मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी दिक्कत। और ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी बुखार नहीं आया, मैं कभी बीमार नहीं हुई, मैं बीमार हुई हूँ, बुखार आए, पर इतने तेज़ बुखार ना सच्ची में बाप रे पहली बार देखा मैंने, महसूस किया अपनी लाइफ में, तो थोड़ी परेशान हो गई थी। और अब बैठे बैठे यहाँ पे मुझे देर हो गई है, क्योंकि बारिश के छींटे ऊपर से पड़ रहे हैं और फिर बीमार हो जाऊँगी, तो अब फिर से चलती हूँ। तो अब ना मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, ये देखिए चुन्नी, दूसरी बार भी चुन्नी लेकर के ही आई हूँ, और कैमरे के ऊपर ना काला काला सा पता नहीं क्यों आ रहा, क्योंकि इसमें बारिश के छींटे लग रहे हैं और घास छोटी छोटी थी, वैसे भी इसके फूले नहीं बांधे जा रहे थे, तभी मैंने इसके लिए किया है देसी जुगाड़। ये देखिए ये हो गई इसकी पोटली तैयार, और फिर से उठा लिया है मैंने जो दूसरी बार का था वो भी उठा लिया, क्योंकि एक बार का काटा हुआ घास तो होता ही नहीं, आजकल हरी घास होती है भारी होती है, एक बार भी नहीं उठाई जाती, इसलिए 2-3 बार इकट्ठा करके लाना पड़ता है। तो बस ये भी मैंने उठा लिया, और देखिए चल रही हूँ, मौसम और ज़्यादा बिगड़ रहा, और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी कि घर के काम भी दूसरों को करवाने की नौबत आ जाएगी, पर क्या करें, जो सोचा था वो नहीं हुआ, और जो सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता, ये तो सही बात है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई घर पे, और बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो बारिश लग पड़ी ज़ोर से, बस
मैं अपने जॉब का यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी लंबी, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट